पार्लियामान की हार से बौखलाए रूस ने यूक्रेनी शहरों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की के गृहनगर पर ड्रोन से हमला किया गया है। ज़ेलेंस्की का यह दावा है कि तेजी से यूक्रेनी सेना भी आगे बढ़ रही है, जल्द और प्रांत आजाद होंगे। तो यूक्रेन पर रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। लिमान में जिस तरीके से शिकस्त मिली है रूस को, उसके बाद बौखला गया है रूस, और हवाई हमले, ड्रोन से भी हमले यूक्रेन के कई शहरों में हो रहे हैं। रूस की बैक टू बैक हार, लेमन में रूस की करारी मार, युद्ध में जीत के गेटवे पर यूक्रेन, ज़ेलेंस्की इतिहास रच डालेंगे। फिर पुतिन अंतिम हथियार चलाएंगे। किला फतह कर लिया, वो भी रूस की सेना को बुरे तरह खदेड़कर। लेमन में यूक्रेन का पलटवार सधा हुआ था। सटीक निशाने पर ज़ेलेंस्की सेना ने विध्वंसक हमले अंजाम दिए। सबसे ज्यादा मार रूस की टैंकों को झेलनी पड़ी। यूक्रेन ने रूस के टैंकों का क्या हाल किया, उसे कबाड़ में तब्दील हुए जंगी हथियारों से समझिए। यूक्रेन ने हाइमर्स से अटैक कर रूसी टैंकों की चीथड़े उड़ा दिए। यूक्रेन फोर्स के रॉकेट अटैक से रूस के हथियार गोदाम बर्बाद हुए, जिसके बाद रूस की सेना उल्टे पांव लीमन से भागी। लीमन की हार से क्रेमलिन में हड़कंप मचा है। पुतिन ने युद्ध के मैदान में महाविनाश के हथियारों को भेजना शुरू कर दिया है। रूस की सेना के सबसे विनाशकारी फाइटर जेट को यूक्रेन सेना पर मंडराते हुए देखा गया है। लीमन फ्रंट पर जीत के बाद यूक्रेन का अगला टारगेट क्या है, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूस का सबसे खतरनाक फाइटर जेट क्या कर रहा था। यूक्रेन बॉर्डर पर मंडराते महाविनाशकारी जंगी जेट की तस्वीरें हैं ये। वीडियो यूक्रेन के बेलगोरोद क्षेत्र के डैगुन स्क्वायर गांव का बताया गया। हालांकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन ये जंगी जेट अगर वॉर जोन में आ गया है तो क्या हो सकता है, इसके अंदाजे भर से यूक्रेन में खौफ फैल गया है। आखिर रूस के इस फाइटर जेट में ऐसा क्या है जिससे खलबली मची है। जानेंगे Su-57 की विस्फोटक डिटेल। पहले उस लीमन फ्रंट का ब्यौरा जिसकी जीत ने युद्ध को नया मोड़ दे दिया है। लीमन फ्रंट की अहमियत युद्ध में इतनी अहम है कि इसे रूस की लाइफलाइन कहा जाता है। लीमन की करेक्ट लोकेशन देखिए, फिर इस फ्रंट पर यूक्रेन की जीत के मायने आपको बताते हैं।
लीमन यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से 160 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। लीमन एक ऐसा गेट है जहां से रूस के कब्जे वाले सेवरोदोनेत्स्क, लुहांस्क और डोनेत्स्क का रास्ता खुलता है। यानी लीमन वो रूट है जिससे रूस की सेना सीधे सीधे रूस के कब्जे वाले इलाके में सेंधमारी कर सकती है। लीमन की जीत इस मायने में अहम है कि इससे पूरे डॉनबास रीजन में यूक्रेन की जीत का रास्ता बन सकता है। यही वजह है कि लीमन में जीत के बाद यूक्रेन फोर्स ने विक्ट्री डांस किया, ग्रुप फोटो खिंचवाई। यूक्रेन का झंडा लीमन पर फहराते हुए यूक्रेन के जवानों ने जीत का जमकर जश्न मनाया। लीमन फ्रंट पर यूक्रेन के कब्जे के बाद रूस को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि लीमन रूस की सेना का प्रमुख परिवहन केंद्र था। इस इलाके में रूस के करीब 5,000 से अधिक जवान थे। रूस के लिए ये लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब बना हुआ था। यूक्रेन में होने वाले हमलों के लिए ये इलाका काफी अहम था। ये इलाका डोनेत्स्क के उत्तर में स्थित है, जहां के रास्ते युद्ध में रसद और हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। ये ऐसे लड़ाकू विमान है जिसको उतारने का मतलब है कि पुतिन के पास ऑप्शन बहुत कम बचे हैं। साफ है, लीमन पर कब्जा कर यूक्रेन ने रूसी सेना को करारा झटका दिया है। इस जीत के बाद डिफेंस ऑफ यूक्रेन ने भी ये संदेश जारी कर रूस को चढ़ाया, तो वहीं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने लीमन फतह यूक्रेन की जीत का आगाज भर माना है। लीमन की जीत को ज़ेलेंस्की ने रूस के रेफरेंडम वाली तरकीब की काट बताया है। Там ще тривають бойові дії, але там вже немає і сліду від якогось там псевдореферендуму. За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще більше. रूस को लीमन से खदेड़ने के बाद यूक्रेन ने सवाल दागा है कि क्या रूस दोबारा इस फ्रंट पर भिड़ने की हिम्मत जुटा पाएगा। इस बीच यूक्रेन ने रूस की सेना पर नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप भी लगाए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के सैनिकों ने खार्किव के कुपियांस्क में नागरिकों के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की। 7 गाड़ियों को रूस की सेना ने निशाना बनाया। हमले में 10 बच्चों समेत 20 लोगों की मौत की जानकारी दी गई। खार्किव के गवर्नर ने इस अटैक की जानकारी साझा करते हुए रूस की सेना की जमकर निंदा की। उधर ज़ेपोरिज़्या में भी S-300 मिसाइल से स्थानीय लोगों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया। रूस के मिसाइल अटैक में 30 लोगों की जान जाने की बात कही गई। नागरिकों पर रूस के हमले को बैक टू बैक मिल रही हार की खींच माना जा रहा है। हालांकि रूस यूक्रेन फोर्स को जल्द बहुत बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी में है, क्योंकि पुतिन की सबसे पसंदीदा फैक्ट्री में नॉनस्टॉप TOS-1A का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। TOS-1A एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। रूस की ओरल वैगन जाबोद फैक्ट्री पुतिन की पसंदीदा बारूदी कारखाना है। यह फैक्ट्री रूस की सबसे बड़ी वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रयोगशाला है, जहां दुनिया में सबसे बड़ा युद्धक टैंक बनाया जाता है। पुतिन यूक्रेन युद्ध को बिना परमाणु हमले के कभी जीत नहीं पाएंगे, तो क्या इसी का ट्रेलर यूक्रेन बॉर्डर पर देखा, जहां पर SU-57 मंडरा रहा है। पुतिन की पसंदीदा फैक्ट्री को यूक्रेन युद्ध के लिए खास तौर पर हथियार तैयार करने के ऑर्डर मिले हैं, जिसमें सबसे अहम है TOS-1A। ये एक बख्तरबंद रॉकेट लॉन्चर है जो सभी दिशाओं में ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाता है। TOS-1A को अमेरिका के हाइमर्स से ज्यादा विध्वंसकारी माना जाता है। यूक्रेन में हाइमर्स ने रूसी सेना को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। जाहिर है, इसी वजह से पुतिन फोर्स को TOS-1A की सख्त जरूरत है। रूस का यह हथियार कितना घातक है, इसे भी जानिए। TOS-1A रूस की सेना में 1987 से तैनात है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 15 सेकंड में 30 राउंड फायर करता है। इसकी फायर रेंज 10 किलोमीटर दूर तक है। TOS-1A का कैलिबर 220 mm का है, साथ ही में एक बार में यह 530 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। रूस ने इस हथियार का इस्तेमाल चेचन युद्ध और इराक की लड़ाई में कर रखा है। यूक्रेन युद्ध में पेस्टी फ्रंट पर TOS-1A की तैनाती के सबूत मिले। हालांकि पुतिन के इस जंगबाज के अपडेटेड वर्जन की मारक क्षमता का अभी किसी को अंदाजा नहीं।
क्योंकि पुतिन की पसंदीदा फैक्ट्री में TOS-1A का एडवांस वर्जन रेडी हो रहा है, जो पहले से ज्यादा घातक और विनाशकारी साबित हो सकता है। मगर पश्चिमी देश ये मानकर चल रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन युद्ध को बिना परमाणु हमले के कभी जीत नहीं पाएंगे। तो क्या इसी का ट्रेलर यूक्रेन बॉर्डर पर देखा, जहां Su-57 मंडरा रहा है? रूस के सुखोई Su-57 को हर मायने में अमेरिकी F-35 से बेहतर माना जाता है। रूस का ये फाइटर जेट परमाणु मिसाइलों के साथ एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल दाग सकता है। Su-57 पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। विमान में 101 KS इंफ्रारेड सर्च एंड सिस्टम भी लगा हुआ है, जो छिपे हुए दुश्मनों को भी खोजने और ट्रैक करने में सक्षम है। रूस का सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान घातक हथियारों से लैस है, जिसमें शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइलें तो हैं, साथ ही 150 किलोमीटर तक जमीन पर हमला करने वाली एयर टू ग्राउंड अटैक मिसाइलें भी शामिल हैं। ये रूसी जेट वेम्फल R-37 हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ एटमी मिसाइल किंजल भी दागता है। परमाणु हमला करने वाला फाइटर जब जंग के मैदान में देखेगा तो दहशत फैलेगी ही। रूस ने भी ये माना है कि यूक्रेन फ्रंट पर उसके 4 Su-57 जेट तैनात हैं। हालांकि इनकी उड़ान यूक्रेन की हवाई क्षेत्र से बाहर ही बताई गई। ऐसे में यूक्रेन बॉर्डर पर Su-57 के उड़ान भरने की पक्की जानकारी किसी के पास नहीं है। मगर पश्चिमी मीडिया में अटकलें हैं कि रूसी सेना जितने फ्रंट हारती जा रही है, परमाणु युद्ध की आशंका उतनी बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए पोलैंड में आयोडीन की गोलियां बांटी जा रही हैं। आयोडीन की गोलियां न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे को कम करती हैं। युद्ध में पुतिन को न्यूक्लियर अटैक के लिए उकसाने वालों की भी कमी नहीं है। नेटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने भी पुतिन के हालिया कदम को परमाणु तबाही का आगाज बताया है। साथ ही ये धमकी भी दी है कि नेटो यूक्रेन की हर तरह से मदद जारी रखेगा। जाहिर है इसी मदद से यूक्रेन जंग में टिका है, कई फ्रंट जीत रहा है। यूक्रेन फोर्स का बढ़ता दबदबा किसी भी वक्त एटमी हमले का सबब बन सकता है।